सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी वाई 4.0 और एंड्राइड 13 के। इस मंथ का जो अपडेट रोल आउट होने वाला था पब्लिकली, वो फाइनली रियलमी की ओर से आज के डेट में रोल आउट हो चुका है। और साथ ही न्यू वर्जन का अपडेट सभी यूजर के लिए देखने को मिल रहा है। और साथ ही नार्जो सीरीज और सी सीरीज के लिए भी अपडेट रोल आउट आज के डेट में होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से डिवाइसों को इस मंथ में अपडेट मिलने वाला था और किसको अपडेट आज के डेट में रिसीव हो चुका है। मैं इस वीडियो में आपको फुल डिटेल द्वारा लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन से डिवाइस के लिए कौन सा वर्जन पब्लिकली आज की डेट में रोल आउट हुआ है, क्योंकि अपडेट का आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे और प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल रहा था जिनके डिवाइस में ट्रायल वर्जन का अपडेट देखने को मिल रहा था रियलमी की ओर से। तो सबसे पहला जो अपडेट रोल आउट किया गया रियलमी की ओर से, रियलमी नार्जो सीरीज। यदि आपके पास रियलमी नार्जो 50 एक डिवाइस है तो इसमें रियलमी वाई 4.0 और एंड्राइड 13 का ट्रायल वर्जन बीटा अपडेट ईयरली एक्सेज का रोल आउट हुआ था कुछ दिन पहले। लेकिन इस अपडेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बग इशू देखने को मिल रहा था रियलमी नार्जो 50 यूजर के डिवाइस में। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए रियलमी की ओर से आज के डेट में पब्लिकली एक स्टेबल वर्जन तो नहीं लेकिन बीटा अपडेट रोल आउट कर दिया गया है, जिसमें क्या क्या फिक्स किया गया मैं आपको लाइव प्रूफ डिटेल द्वारा बता देता हूं। और अपडेट का डाउनलोड साइज और अपडेट का यूआई वर्जन क्या देखने को मिल रहा है वो भी मैं आपके साथ लाइव प्रूफ स्क्रीनशॉट के द्वारा दिखा देता हूं। यहां पे देख रहा हूं कि सबसे पहले जो अपडेट आज के डेट में रोल आउट हुआ है रियलमी नार्जो 50 के लिए, वो अपडेट देखने को मिल रहा है अपडेट 13 का, यानी आपको RMX 3430 और यह अपडेट 13 का न्यू यूआई वर्जन देखने को मिल जाता है। और ये बीटा अपडेट आपको देखने को मिलता है रियलमी की ओर से ऑफिशियली वर्जन के नाम से इसे रोल आउट किया गया है। और साथ ही 1.10 GB का इसमें डाउनलोड साइज देखने को मिलता है जो कि आपके डिवाइस में अपडेट रिसीव होगा। इसमें बात की जाए कि अपडेट में क्या क्या प्रॉब्लम फिक्स किया गया, तो इस अपडेट को आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपके डिवाइस में जितने भी ईयरली एक्सेज का अपडेट में फ्यूचर में बग इशू देखने को मिल रहा था उसको 90% फिक्स कर दिया गया है। बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम हो या कैमरा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी लैगिंग इशू या सिस्टम में जो बग इशू देखने को मिल रहा था उसको फिक्स कर दिया गया है इसमें 90%। इस अपडेट को आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो अगला अपडेट देखने को मिल रहा है रियलमी सी सीरीज के अंदर देखने को मिल रहा है। यदि आपके पास रियलमी C35 की डिवाइस है तो इसमें एंड्रॉयड 12 के बेस पे ही C.24 का न्यू वर्जन का अपडेट रोल आउट हुआ है, जो कि काफ़ी लंबे समय के बाद रियलमी ने रियलमी C35 को अपडेट रोल आउट किया है। मैंने पहले भी बताया था कि इस मंथ सी सीरीज के डिवाइसों के लिए OTA अपडेट देखने को मिलेगा और साथ ही अगले मंथ में आपको इस डिवाइस में एंड्राइड 13 का भी अपडेट देखने को मिलेगा। इसके बाद जो अगला अपडेट रोल आउट किया जा रहा है रियलमी की ओर से, वो डिवाइस देखने को मिल रहा है रियलमी 9 4G। यदि आपके पास रियलमी 9 4G की डिवाइस है तो इसमें रियलमी की ओर से बहुत ही अच्छा एक अपडेट ऑफिशियली वर्जन का स्टेबल अपडेट रियलमी वाई 4.0 का रोल आउट कर दिया गया है आज के डेट में। अब बात की जाए इस अपडेट के डाउनलोड के बारे में तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका जो ऑफिशियली वर्जन देखने को मिल रहा है 4.73 GB का इसका डाउनलोड साइज देखने को मिल रहा है। और इसका वर्जन जो देखने को मिल रहा है C.11 का देखने को मिल रहा है, जिसमें आपके डिवाइस में जितने भी बग इशू से रिलेटेड प्रॉब्लम था और सिस्टम में जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाला था सभी फ्यूचर को इम्प्रूव कर दिया गया और स्टेबल कर दिया गया है। इसके बाद कोई भी आपके डिवाइस में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी यदि आपके पास रियलमी 9 4G की डिवाइस है। तो ये ग्लोबली और पब्लिकली दोनों अपडेट रोल आउट हुआ है और सभी यूजर के लिए ये आपको आज के डेट में अपडेट देखने को मिल रहा है। तो आप भी जाइए यदि आपके पास रियलमी 9 की डिवाइस है तो इसमें आप इस अपडेट को जरूर कीजिएगा। अब बात की जाए कि नार्जो सीरीज के अंदर कौन कौन से डिवाइसों को इस मंथ में अपडेट देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहा होंगे जो इस मंथ का अपडेट देखने को मिलेगा सबसे पहले रियलमी नार्जो 35G में, उसके बाद रियलमी नार्जो 30 Pro, रियलमी नार्जो 50 और रियलमी नार्जो 30 और रियलमी नार्जो 50A और रियलमी नार्जो 30A एंड रियलमी नार्जो 55G एंड रियलमी नार्जो 30i एंड रियलमी नार्जो 50A प्राइम। इन सभी डिवाइसों में एक एक OTA अपडेट देखने को मिलेगा एंड्राइड
13 का भी कुछ यूजर को अपडेट देखने को मिलेगा, और जिनके डिवाइस में एंड्रॉइड 12 है उनको भी OTA अपडेट सिक्योरिटी पैच का लेटेस्ट वर्जन का इस मंथ में Realme की ओर से जल्दी रोल आउट होने वाला है, और इतने ही डिवाइस को इस मंथ में नार्जो सीरीज के अंदर अपडेट देखने को मिलेगा। और बात की जाए कि जो अपडेट इस मंथ में ईयरली एक्सेस का रोल आउट होने वाला था वो किस में देखने को मिलेगा और कब, तो मैं बता दूँ कि वो भी अपडेट Realme की ओर से Realme 8i एंड Realme C25s में ग्लोबली रोल आउट कर दिया गया है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे देखते हैं कब मिलता है।